हरे कृष्णा, स्वागत है एक और वीडियो में। आशा करता हूँ पिछला वीडियो देखा होगा आपने। मैंने बताया है कि महाभारत कितना ज़रूरी है पढ़ना। ओके, उसको जाके चेकआउट कर लेना, बट फर्स्ट वॉच दिस वीडियो। आज बात करूँगा ब्रह्मचर्य के ऊपर। ब्रह्मचर्य पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आपने ही ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारी दूसरे वीडियोज़ भी देखे होंगे। ब्रह्मचर्य का मीनिंग है कि भगवान से जुड़ना। आप भगवान से जुड़ते हो, आप गलत चीज़ें नहीं देखते हो, गलत चीज़ें नहीं खाते हो, गलत चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं है आपकी, स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं है, स्त्री माता होती हैं, स्त्री के प्रति आपका वो अट्रैक्शन नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, लस्ट वाला। ओके, वो ना रख के अगर आप माता समझ के अपने माता को, अपने मतलब स्कूल की जो मतलब जो ना फ्रेंड है तुम्हारी, या फिर उसको जो आप देख रहे हो रास्ते में जा रही हैं, उनको माता की दृष्टि से देखते हो, दैट इज़ एक्चुअली अ ब्रह्मचार्य। अब ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचारी का वो एक यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ट्रेट है। अगर सब चीज़ को आप हर चीज़ में ब्रह्म देखते हो, वो ब्रह्मचर्य है। अगर हर चीज़ को आप ब्रह्म का बनाया हुआ देखते हो, तो वो ब्रह्मचर्य है। अगर हर चीज़ में आप भगवान श्री कृष्ण को देखते हो, जगत गुरु, जगन निवास, लक्ष्मीपति, बालाजी, महादेव, श्री कृष्ण, हनुमान जी को सब में देखते हो, सब सब चर अचर में देखते हो, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का ये मीनिंग नहीं है कि आप अपने सीमन को अंदर बचा लिए, शक्ति को अंदर बचा लिए, बस 90 दिन के लिए, 100 दिन के लिए। नो नो, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ओके, भगवान के पथ पे चलो, अपने शक्ति को भी अंदर रखो, गलत चीज़ों में संलग्न मत हो, गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में मत उतारो, अच्छी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करो, वो है ब्रह्मचर्य। नियम क्या है उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ। आई होप आप मेरे इस चीज़ को फॉलो करोगे कि ब्रह्मचर्य आप 90-100 दिन तक वीर या फिर अपने एनर्जी को बचाते हो वो नहीं है। आई होप आप इस चीज़ को अपने लाइफ में उतारोगे भी। आप अगर ब्रह्मचर्य क्या है, आप अगर अपने लाइफ में अच्छा आहार ले रहे हो, ज़्यादा गर्म आहार नहीं ले रहे हो, गलत चीज़ों से दूर हो, भगवान का ही नाम ले रहे हो, भजन में हो, कीर्तन में हो, और एकदम शक्तिशाली तरीके से आप अगर भगवान के नाम से जी रहे हो, तो वो है ब्रह्मचर्य। गलत चीज़ों में संलग्न होना, गलत लोगों को बात बताना, वो नहीं है, दैट्स नॉट ब्रह्मचर्य। ओके, तो आई होप आपने ये बात समझ लिया होगा, अपने दिमाग में, जहन में इस चीज़ को डाल लो। ऐसा नहीं होता, भजन करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बहुत चीज़ें नहीं खानी होती है, बहुत चीज़ें नहीं देखनी होती है, भगवान के करीब रहना होता है, माताओं को नमस्कार करना होता है, और हर चर अचर हर जीव में, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, चर हो अक्षर हो, सब में भगवान को देखना होता है। ओके, तभी जाके आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आशा करता हूँ आप अगला वीडियो भी देखोगे, राइट? तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, राइट? 700 सब्सक्राइबर्स पहुँचा दो, या 1000 पहुँचा दो, 700 अगर क्रॉस हो चुके हैं तो 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचा दो। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। हरे कृष्णा।